हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो डिलाइट बॉय। आज हमारे कॉलेज में वर्ल्ड नो टोबैको डे का कुछ प्रचार कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। और राहुल साहब कैसे हो? हाँ चौरसिया भाई, कैसा हो तू? हम तो ठीक है। तो अपना स्पेशल पान बनाओ यार। हाँ, आपका पान रेडी है, बस तम्बाकू डालना बाकी है। थैंक यू यार, थैंक यू। क्या हुआ साहब, क्या हो रहा है यार तू? ये मुंह की जलन हो रही है सब। आपका वही तो पान है जो स्पेशल ये हलवार का? नहीं यार, नहीं सर, हो रही है जलन हो रही सब मुंह की मेरी। अरे नहीं साहब, वही है आपका पैसा भी देने वाला था यार। सुबह सुबह मूड खराब यार। अभी राहुल घर जाता है और सोता है, और जब उठता है तो वो पाता है कि उसकी छाती में और उसके मुंह में बहुत जलन हो रही है, छाले पड़ रहे हैं और उसे अस्वस्थ फील हो रहा है। यम है हम। यहाँ क्यों आयो? तुम्हारे प्राण हरण करने आए बच्चा। छोड़ दो यमराज, मुझे छोड़ दो। क्यों छोड़ दे? तूने छोड़ी तंबाकू? नहीं नहीं, मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। कब छोड़ेगा? मरने के बाद? आज से ही छोड़ दूंगा, मुझे छोड़ दो यमराज जी। क्यों छोड़ू? छोड़ दे यमराज जी। एक वादा करेगा, अगर तू तंबाकू नहीं छोड़ेगा तो तेरे जान छोड़ दूंगा। देखो मैं तंबाकू छोड़ दिया, मैंने आज से ही छोड़ दिया मैं तंबाकू। मेरी जान मुझे छोड़ दो। क्या टेंशन है यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या सर, क्या हाल? क्या बताऊँ यार तुझे, मिलीमीटर पढ़ाई है इधर, थर्ड ईयर के पेपर चल रहे, मेरी कुछ पढ़ाई नहीं हुई। एनिमल्स हुआ सब वहाँ एंजॉय कर दिया, लेकिन पढ़ाई कुछ नहीं किया। अरे क्या यार, रुक तुझे एक मिनट, ये ऐसा है ना, सारे टेंशन भुला दिया। सच में? हाँ, इसे सच में ले, भूख और मजे मार। ये क्या एग्जाम एग्जाम तो चलती रहेगी, आती जाती रहेगी, मजे मार। तेरी उपकार रही है। ऐसे ही एक दिन उसे एडिक्शन हो गया ऑन हॉस्पिटल बोर्ड बेड, भगवान की फोटो को देखकर। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि मुझे उसके बिना जिंदगी जीने नहीं दे रही है।
मैं उससे एडिक्ट हो गया हूँ यार, भगवान की तरफ देख के माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो सकता था। वायरस तो मेरे से मुझे फेल कर देता, लेकिन इसी तो मेरी पूरी ज़िंदगी फेल कर दी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तंबाकू और गुटखा खाना एडिक्टिव है, इसके सेवन से जिंदगी नष्ट होती है, फेफड़ों को हानिकारक है, ये मत है। कुछ ही दिनों पहले मेरे सामने एक केस आया था, एक 27 साल की महिला मेरे पास मुंह में जलन, छाती में जलन, मुंह में छाले ऐसी कंप्लेंट लेके आई थी। तो मैंने उसकी कड़ी जांच की, तो उसके बाद मुझे पता चला कि उसको माउथ कैंसर था। वो WHO के अनुसार वर्ल्ड के 6% महिला है कैंसर करने पदार्थ के सेवन करने की वजह से, तंबाकू जन्य पदार्थ के सेवन की वजह से वो कैंसर से पीड़ित हो जाती है। ऐसे इस महिला को हमने जांच करने के बाद हमें पता चला कि उसको पूरा मुंह हमें ऑपरेट करना पड़ेगा, और उसके बाद हमने उसको पूरा ऑपरेशन का खर्चा बताया, तो उसके ऑपरेशन के लिए 40 लाख रुपए लगने वाले। मेरा नाम मनीषा, उम्र 27 साल, आज मैं मुंह के कैंसर से पीड़ित हूँ, और उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर ने कहा है कि 40 लाख लगेंगे। आज भी मेरे सारे ऑर्गन भी बेच दूँ तो भी 40 लाख नहीं आ पाएंगे। इसलिए मैं पहले जब दोस्तों के साथ रहती थी तब मैं हर रोज 40 रुपया खर्च कर देती थी, पर उसकी कीमत आज 40 लाख हो गई है। मेरे बाद मेरे माँ को संभालने के लिए भी कोई नहीं है। पापा कहते थे बच्चा किसी के सामने हाथ मत फैलाना, पर मैं अभी सबके सामने हाथ फैला के कहती हूँ कि कभी तंबाकू का सेवन मत करो, तंबाकू जीवन के लिए हानिकारक है। कैंसर से परिणाम दुष्परिणाम और डॉक्टर का साबुन डॉक्टर का करोड़ ऐसी जे जे तंबाखू खाणारे आपल्या संपर्कामध्ये येतील त्यांना आपण तंबाखूचे दुरुपयोग सांगूया, आणि आपण त्यांना तंबाखूपासून दूर राहण्यासाठी मदत करूया। धन्यवाद। एव्हरीवन परफॉर्म व्हेरी वेल, अँड द अवेअरनेस रिगार्डिंग टोबॅको इज मच नीडेड इन यंग जनरेशन्स लाईक यू पीपल, सो इट वॉज नेसेसरी दॅट यू ऑल अटेंडेड, अँड इट वॉज रिअली नाईस। And I did the program.